दुनिया मुझे। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल वीडियो एडिटिंग लेके आ चुका हूँ, देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो इंट्रो में जो आप डबल फोटो ट्रेंडिंग लिरिक्स वाला वीडियो देखे, इस टाइप का वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील में बहुत ही ज्यादा वायरल है और अभी ट्रेंड बच रहा है। अगर आपको क्रिएट करना मतलब सीखना है तो ये मेरे छोटे से वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम जल्द से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके फ़ोन में इन शॉर्ट एप्लीकेशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो इन शॉर्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर मिलेगा वीडियो वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा दो ऑप्शन वीडियो एंड फोटो। तो सबसे पहले आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको एक बॉय वाला इमेज को यहाँ पर करना है ऐड। ठीक है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फोटो को ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे फोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड सबसे पहले इसका रेशियो 9:16 वाला रेशियो में कर लेना है। तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे मिलेगा कन्वर्सल ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे रेशियो देखने के लिए मिल जाएगा 9:16। यहाँ पे क्लिक करके ये जो एरो मिलेगा आपको इस तरह से 50 करके यहाँ पे करना है डन। ठीक है, फोटो मेरा सेट हो चुका है। उसके बाद आपके क्या फोटो का ड्यूरेशन आपको लॉन्ग करना है, जितना सेकंड या फिर जितना मिनट में वीडियो क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर में मिलेगा बहुत सारा टूल्स, थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पे मिलेगा ड्यूरेशन वाला ऑप्शन क्लिक करना है, पेंसिल आइकन में जाना है और यहाँ पे जितना सेकंड या फिर जितना मिनट में वीडियो क्रिएट करना है यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो डेमो के लिए हम 10 सेकंड का क्रिएट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके यहाँ पे करना है डन। तो ड्यूरेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे 10 सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब क्या करना, वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आ जाने कुछ इस तरह से। आने के बाद यहाँ पे अब आपको सेकंड वाला फोटो को ऐड करना है जो ऊपर में रहेगा। तो सेकंड वाला फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे मिलेगा पीआरपी वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, फोटो वाला ऑप्शन जाना है और कोई भी आपको एक फोटो को यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि हम एक लड़की का फोटो को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैंने ये वाला फोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ एंड यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, फोटो को जो है फुल स्क्रीन पर कर लेना है कुछ इस तरह से एंड आपको ऊपर में यहाँ पे सेट करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया हूँ। उसके बाद अब क्या करना है, आपको नीचे में फोटो के जस्ट यहाँ पे नीचे में आपको शेडो यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, फोटो में शेडो क्रिएट करना है। तो शेडो क्रिएट करने के लिए ऊपर में मिलेगा यहाँ पे टूल्स, थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पे मिलेगा मास्क वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर में जो रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे एरो बना है तो ये एरो को हल्का सा आपको नीचे कर लेना है। ठीक है, इतना इतना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे में देख सकते हो व्हाइट कलर का एक एरो है, तो ये एरो को नीचे का इस तरह से आपको स्लाइड करना है, मतलब नीचे को इस तरह से करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो तो फोटो नीचे में कुछ इस तरह से शेडो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे करना है डन। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब क्या करना है, फोटो का ड्यूरेशन को इस तरह से आपको लॉन्ग कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे करना है डन एंड बॉय वाला फोटो को आपको हल्का सा आपको नीचे कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना आपको नीचे कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे पीआरपी के ऊपर क्लिक करना है एंड ये वाला फोटो को मतलब गर्ल वाला फोटो को आपको हल्का सा ऊपर कर लेना है। ठीक है, देख सकते हो मेरा कुछ इस तरह से हो चुका है। उसके बाद अब क्या करना है, आपको यहाँ पे एक लिरिक्स वाला वीडियो को ऐड करना है। तो लिरिक्स वाला वीडियो को ऐड करने के लिए यहाँ पे मिलेगा पीआरपी वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, वीडियो वाला ऑप्शन जाना है और ये लिरिक्स वाला वीडियो को आपको ऐड करना है। तो इस टाइप का लिरिक्स वाला वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो या फिर इन शॉर्ट एप्लीकेशन से भी आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा ब्लेंड वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको स्क्रीन मोड में कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे करना है डन एंड ये जो लिरिक्स वाला वीडियो है इसको हल्का सा आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है, एडजस्ट वाला ऑप्शन जाना है, सबसे पहले लाइटनेस को जो है हल्का सा बढ़ा लेना है, इतना बढ़ा लेना है, उसके बाद यहाँ पे सैचुरेशन को एकदम आपको फुल कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे करना है डन एंड यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, देख सकते हो कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे बॉय वाला फोटो को हल्का सा आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, एडजस्ट वाला ऑप्शन देना है, सबसे पहले आपको लाइटनेस को हल्का सा घटा लेना है, मतलब एकदम माइनस कर लेना है। ठीक है, तो फोटो के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेना है एंड यहाँ पे सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेना है एंड यहाँ पे पिगनेट को एकदम 100 करके यहाँ पे शार्पन को 50% में करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करना है डन। तो देख सकते हो मेरा जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करना है डन। तो फाइनली गाइस मेरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप वीडियो को बना सकते हो, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर लेना, साथ में चैनल पर नहीं होता जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इस तरह का और एडिटिंग वीडियो आप लोग सीख सको। एंड अब क्या करना है, इस वीडियो को करना है सेव, तो ऊपर में मिलेगी यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन, क्लिक करना है, फ्रेम रेट है इसको 60 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव करना है। तो मेरा जो वीडियो है यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।